Hey guys, welcome back to my new vlog. और आज है मकर संक्रांति. फ्री हो गया हूँ शूटिंग से पूरी तरीके से, तो इसीलिए आज मैंने नींद भी अच्छे से कर ली. बचपन में पापा मम्मी लोग जल्दी उठाते थे कि आज खिचड़ी है, जल्दी उठ के नहा धो करके. मिला के ना खिचड़ी उचड़ी ये सब अजली लो, लेकिन थोड़ा सा ही लो. वन जय हो स्वाहा स्वाहा. उत्तरायण. शाबाश जियो लड़के. ओम ओम भानुताय नमः स्वाहा. अब आज हम कुछ काम करेंगे. ये पेंटिंग हमारी कुछ आई है, इसको सजाएंगे. तो इसको यहाँ पे लगाएंगे तीनों, और उसके बाद थोड़ी सी लाइट वाइट और हम बढ़ाएंगे. है नमेश, लाइट थोड़ी कम है ना, इसीलिए व्लॉग अच्छा नहीं बनता है. टेढ़ा लग रहा है क्या ये? ना हाँ टेढ़ा. बचपन में यही खाते थे, ऐसे ही पूरा सजा के मम्मी देती थी, और हम लोग एक घंटे तक यही चबाते थे. समझे नमेश, एक घंटे तक खाते रहो. जेब में क्यों भर रहे हो? भर नहीं रखा हूँ, मुट्ठी में. ये तिलवा घर में बनाते थे, अभी तो सब मार्केट से आने लगा. जब हम लोग बिहार में थे तो घर के सामने ही हमारे गजक बनाने वाला था, और उसका गजक जो है ना वो गोल गोल बनता था, गरम गरम वो निकालता था, उसमें तिल मिला हुआ रहता था, तिल वाइट तिल, और उसको कूटते थे हथौड़ी से, धम धम. तिलकुट बोलते थे वहाँ पे, यहाँ पे तो उसका नाम चेंज हो गया, गजक हो गया. खिचड़ी इसके लिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन सूरज उत्तरायण होते हैं. ठीक है, सूरज अपनी राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं. तो यही सब होता है खिचड़ी के दिन, जो सब आपने सुना. वो उत्तरायण पता है क्यों होते हैं? क्यों? वो मतलब उनके बेटे उत्तर तरफ में रहते हैं, है ना? तो फिर वो एक साल में या फिर कितना भी साल हो उसमें अपने बेटे से मिलने जाते हैं, तो इसलिए उत्तरायण हो जाते हैं. क्या कह रहा है ये? सूर्य देव निकलकर शनि की राशि में जाते हैं, जो कि मकर राशि है. हाँ. तो मकर राशि में जाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, और ये परिक्रमा करते हैं, उनको 6 महीने लग जाते हैं. तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मतलब शनि की राशि में, तो वहाँ उस दिन से उत्तरायण शुरू हो जाता है. तो सूर्य तो हर महीने किसी न किसी राशि में प्रवेश करता है. हाँ, लेकिन मकर राशि में जब आते हैं तब उत्तर की तरफ आ जाते हैं, उत्तरायण होता है. और ये उत्तरायण बहुत अच्छा है. पता, जब भीष्म पितामह को महाभारत में तीर लगा था, उन्होंने उत्तरायण का ही दिन चुना था अपना शरीर त्यागने के लिए. उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था ना. हाँ. तो उन्होंने उतने दिन इंतजार किया, बाणों की शैया पर सोए रहे, लेकिन जब तक सूर्य दक्षिणायन था उन्होंने प्राण नहीं त्यागे. जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब उन्होंने प्राण त्यागे. सुना है कि उत्तरायण में अगर शरीर त्यागो सीधा वैकुंठ जाते हैं. हाँ, कहने को सब है, यहाँ पे पाप करो और उत्तरायण में त्यागो तो नहीं जाएंगे, यहाँ पे भी अच्छा कर्म करो एकदम. ये देखिए नमीश की प्रैक्टिस चालू है, फ्री फायर में इसको बनाना है प्रो प्लेयर एकदम. करो प्रैक्टिस. आ गई खिचड़ी, मन गई खिचड़ी. बिना खिचड़ी के कैसे मने खिचड़ी? तो इधर बढ़िया, मेरी एडिटिंग भी चालू है और खिचड़ी का भी मज़ा ले रहे हैं, फर्स्ट क्लास. तो तुम भी बैठ जाओ फटाफट. खिचड़ी का एकदम, आज खिचड़ी का भरपूर मज़ा आ रहा है कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खा रहा है. प्याज टमाटर डालो इधर भी, मेरे बीच में रख दिया. कैसे झुकूं मैं? अरे प्याज वाला झुक गया ना. झुक गया ना. अरे नमेश आके जल्दी खा लो ना तुम भी. ओम पट स्वाहा. अब बस खेलने में लगे रहो, वहाँ पे सारा खिचड़ी खत्म हो गया. हाय बोलो. हाय हाय. कैसी है? अच्छा. सुबह से हमारे घर में खिचड़ी मनाया जा रहा है, और खिचड़ी त्यौहार ऐसा होता है कि जिसमें लड़की के भैया लाई चूरा ये सब लेकर के आते हैं ना. तो ये सारा खिचड़ी का सामान है, असली सामान इधर है. इस बार खिचड़ी के साथ साथ नाश्ता भी आया है. यहाँ पे लंबे नाखून वाले कोई है इधर? अभी हम लोगों ने खा लिया है, तो आपको मतलब भरोसा नहीं था इसलिए अपना अपना खाना लेके चले हैं. मतलब आपको पता था क्या कि यहाँ खिचड़ी बनी है?
ये है देसी चोखा, ये है प्याज और ये है चोखा, और इसमें और भी चटनी वगैरह भी है। ठीक है, ये चोखा बट्टी 83 मूवी में जो कपिल देव बॉलिंग बैट खेलते हैं वो कपिल देव की याद में हम ये बॉल खाने वाले हैं। ये बॉल्स खाने वाले हम शिव प्रसाद बट्टी चोखा वाले, उनके यहाँ से ये क्रिकेट बॉल। और नमीश एक बॉल उठाओ। शिव प्रसाद जी गुजराती थे क्या? ये इसको खाइए, पेठा पेठा। अरे वाह वाह वाह, नमीश खा के दिखाओ, खा के दिखाओ, दांत टूट गए। ये मुझे अच्छा लगा। ये साड़ी और कपड़े गले गले, और इसमें है कुरमुरा। ये क्या है? गुड़ का तिलवा। अरे वाह, तिलवा फैलवा हो गया, तिलवा फैलवा हो गया एक्चुअली। ये क्या? ये है देसी गुड़। ये है लड्डू, लड्डू अलग अलग वेरायटी के। एक खिचड़ी ही ऐसा त्योहार है जो कि पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया स्वाद है ये चोखे का। सुरभि को बट्टी चोखा पसंद नहीं है। काश तुम ये खाओ। अरे टेस्ट बढ़िया एकदम। अरे वाह वाह वाह, अरे कैसे खा ली है बट्टी चोखा, ये कभी नहीं खाती है। तो अगर मैं बट्टी चोखा बोलता तो नहीं खाती, इसीलिए इसको वीट बॉल स्मैश पोटैटो एंड चटनी, चटनी क्या बोले, कोरिएंडर डिप। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि कभी ना कभी मैं ब्लॉग में डालूंगा कि इसका ओनर कौन है। बाय पीहू। आठ बज गए हैं, आठ, और अभी जस्ट सारा वो मीटिंग जो भी हॉल में था, जितने लोग आए थे, अभी जस्ट ख़त्म हुआ। बहुत घंटों हम लोगों ने बातचीत की। सबसे पहले तो जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है जनवरी फरवरी मार्च, इनको हिंदी में क्या कहते हैं वो मैंने एक नया सीखा। खैर आता तो था पहले से ही लेकिन याद नहीं रहता। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये सब जो है महीनों के नाम है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और दूसरा ये कि अभी तो मैं निकल रहा हूँ शूट पे, आऊँगा सुबह। अंधेरी में एक जगह है गुलाटी स्वीट्स, यहाँ का काजू कतरी बहुत ही फेमस है। तो अभी सुरभि और नमीश को ना काजू कतरी बहुत पसंद है। यहाँ का सबसे फेमस मिठाई कौन सा है? कौन सा? मलाई के काजू कतरी। मलाई के काजू कतरी। जब ये शूट करता हूँ ना मैं बड़ा खुश रहता हूँ। अभी सब लोग खाने बैठे हैं, आधे लोग खा के चले गए, मैं बैठा हूँ भाई का साथ देने के लिए। ये लेट आया इसीलिए, खा लो खा लो। तो अभी फर्स्ट क्लास मेकअप करके कॉस्ट्यूम पहन करके मैं रेडी हूँ। इंतज़ार है बस एक फ़ोन कॉल का, क्योंकि लोकेशन पे सारे लोग पहुँच चुके हैं, अपना कैमरा वैमरा लाइट वाइट सेट कर रहे हैं। जैसे ही फ़ोन आएगा कि वहाँ पे सेटअप रेडी है आप आ जाइए, हम तुरंत पहुँचेंगे और अपना सीन करेंगे। ये वाले शूट में ना बहुत आराम है क्योंकि ये टीवीसी का शूट है। अभी जो कल परसों जो हम लोग शूट कर रहे थे ना वो तो इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है, उसमें पूरा 12 घंटे की शिफ्ट होती है और वो भी सुबह सुबह पहुँचना पड़ता है। इसमें क्या है कि देखो अभी 9 बजे हम लोग यहाँ पर आए हैं और 10 बजे से शूट चालू होगा, और मस्त अपना खा पी कर आराम करके तब आप लोकेशन पर पहुँचिए। और 2.5 घंटे का काम होता है आराम से, वो भी एकदम एक एक लाइन बोलना होता है, और 2 बजे तक आई थिंक ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ पैकअप हो जाएगा। बस ये कि थोड़ा ये नाइट में होता है इसीलिए। चलो जी, फाइनली बुलावा आ गया है, अब हम लोग वॉक करके जा रहे हैं। यहीं बगल में ही एक किराना स्टोर है, वो स्टोर में हम लोग करेंगे। और ये जगह है अंधेरी का मरोल, यहाँ पे है मेट्रो। नए जमाने का हैंडशेक। देखिए नए जमाने का हैंडशेक नहीं है, ये कोविड का हैंडशेक है। हाँ, वापस से हम आ गए हैं ये स्टोर में, और एक दिन के लिए ये स्टोर हमारे लिए फ्री है, जो कुछ भी आप खाना चाहो खा सकते हो। गणपति बप्पा को याद करते हैं। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। चलिए अब शुरू करते हैं।
ये वही महाशय हैं 1.5 करोड़ के बंगले वाले। अरे क्या, अभी जस्ट शूटिंग खत्म करके आए हैं, एक दूसरे शूट पर आ गए हैं। EMI इनका बहुत भारी है इसीलिए डबल शिफ्ट कर रहे हैं। EMI नहीं थी तब भी कर, मैं तो बस काम को ही पूजा मानता हूं। ऐसे ही ऊपर वाले आपको सेहत सेहतमंद बनाए रखे, आप 2 या 3 शिफ्ट कीजिए एक दिन। थैंक यू, थैंक यू। अबे जस्ट मैंने अपना सारा सीन खत्म किया है, अब हमारे को एक्टर का सीन चल रहा है, उनका क्लोजअप। और जैसा कि मैंने कहा था कि ना, ये स्टोर आज के लिए मेरे लिए फ्री है, जो कुछ भी खाना है आप खा सकते हो। तो मेरा मन हो गया अभी कि एक लिप्टन आइस टी पीने का, लिप्टन आइस टी। वैसे तो बहुत सारा ऑप्शन है, दही है, लेकिन आप क्या खा लोगे, क्या खा लोगे उड़ के? तो इट्स योर पैकअप टाइम, आप जा रहे हो? आप भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं अभी तो हम रहेंगे, अभी मारिए मारिए। नहीं नहीं बस, अरे एकदम रिफ्रेशमेंट, ताजगी, बाइक चला के जाना है। नहीं नहीं, इधर ही तो जाना है मुझे, कौन सा आपके। तो अभी फाइनली मेरा भी पैकअप हो गया है, अब मैं वापस जा रहा हूँ ऑफिस, चेंज करूँगा, उसके बाद फिर निकलूँगा। और ये है अभी अंधेरी की सड़क, बज रहे हैं इस समय 3। इक्का दुक्का कोई अगर गाड़ी चलाते हुए मिल गया तो मिल गया, बस कुत्ते भौंकेंगे। तो बस अब ख़त्म करते हैं ब्लॉग को यहीं पर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में कल सुबह 8:30 बजे। यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक बटन दबा भी दीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।